तो अपना फादर के सीट को कब्जा करना चाह रहे हैं जो चचा है हड़पले हैं। तो कहने का मतलब है कि चचा तो दगाबाजी किए ना जी, बाप जब मर गए तो चचा दगाबाजी करके पार्टी पर पूरा कब्जा कर लिए। अगर पशुपति पारस उठते हैं तो नो चांस। मुख्यमंत्री में तो चिराग नहीं चल रहा, क्योंकि इनका जो अंदाज है ना, जाति पाति दम धर्म पूरा हटा कर चलते हैं। बहुत अच्छा लीडर है, बेस्ट, आना चाहिए, मौका देना चाहिए जरूर। दम तेजस्वी पहचान है, उसका भाई एक है, क्या नाम है, तेज प्रताप, वन विभाग का है। कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको अपना ब्लॉक बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। चिंतन ब्लॉक यूट्यूब पर सिर्फ ब्लॉक बनाता है, क्या जनता की सेवा करेगा वो। भावी नेता है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा ही नेता बने, अपना बिहार राज्य का डेवलपमेंट करें। बाकी तो हम और लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बस चिराग पासवान से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। मैं तेजस्वी भैया से मिलने आया था लेकिन मुलाकात नहीं हुई पाई मेरी। नमस्कार, IVTV देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ निशा। आपको बता दूं कि चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं, लेकिन वो लगातार हाजीपुर को लेकर के ताल ठोक रहे हैं कि उनको हाजीपुर से इस बार इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसे में हम आ चुके हैं जनता के बीच और यहाँ पे जानेंगे जनता का मूड क्या है। क्या चिराग पासवान को जमुई में ही रहना चाहिए, क्या चिराग पासवान को हाजीपुर में आना चाहिए? तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, रंगीलाल यादव मेरा नाम है। अच्छा। हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, नेता हूं। मैं तेजस्वी भैया से मिलने आया था लेकिन मुलाकात नहीं हुई पाई मेरी, और उनसे आशीर्वाद लेने आया था लेकिन मैं मिल नहीं पाया, अभी रुका हूं उनसे मिलने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अच्छा, आप तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, किस कारण से? उनका आशीर्वाद लेने आए थे और उनका हमने पेपर में पढ़ा कि वो अच्छे काम कर रहे हैं बिहार में, तो इसीलिए हम उनसे मिलने आए। लेकिन फिलहाल उनके आवास पर गए, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और चाहते हैं कि हम उनसे मिल के जाएँ, इसलिए मैं रुका हूँ पटना में। अच्छा, वो चाहते हैं आपसे उनके? मैं उनसे मिलने आया हूँ इलाहाबाद से। आप चाहते हैं? जी। तेजस्वी यादव के को सपोर्ट करते हैं आप, क्या मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको पता चला कैसे? जी, अब हम तो इलाहाबाद के रहने वाले, हमारे समाजवादी पार्टी के मैं सिपाही हूँ। अखिलेश यादव जी जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश में, तो चूंकि ये इंडिया का रिलायंस उन लोगों ने किया है इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो मैं उनकी नीतियों से प्रसन्न होकर के उनसे मिलने आया था। जी, लेकिन पासवान को जानते हैं? चिराग पासवान को जानता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं जनता दल के साथ रहे हैं यहाँ पर, माननीय लालू जी के साथ, उनके पिताजी रामविलास पासवान जी, लेकिन फिलहाल उस समय नहीं है। हाँ, वो भी जमुई से सांसद है लेकिन हाजीपुर को लेकर के हमेशा मतलब लगातार ताल ठोक रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो उनके परिवार में थोड़ा सा विवाद हुआ है चाचा से और भतीजे में, चिराग जी से उनके भतीजे में, तो यहाँ बिहार के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एक पॉलिटिकल मैं क्षेत्र में हूँ तो थोड़ा सा पेपर के माध्यम से, TV न्यूज़ के माध्यम से मैं जानता हूँ कि उनके परिवार में विवाद है, उनके चाचा से विवाद है, चिराग जी से विवाद है, तो अभी उस सिर पर तो कुछ कहा नहीं सकता। और दोनों पार्टी, दोनों लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को दोनों को तोड़ा था इससे पहले, और फिर वो जाकर के उसमें शामिल हुए हैं, तब वो तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको किसी को टिकट देगी, या चिराग को देगी, या उनके चाचा को देगी, तो उनको लड़ना पड़ेगा, अब वो तो उनके अधीन है। आपको क्या लगता है कहाँ से आना सही रहेगा, जमुई वो छोड़ रहे हैं? नहीं, रामविलास पासवान का क्षेत्र जो है हाजी क्या बोलते हैं, हाजीपुर रहा है, तो चिराग को तो हाजीपुर से लड़ना चाहिए। तो फिर उनके भाई जो है, राजनीति तो रामविलास पासवान के चिराग पर जा रही, भाई थोड़ी जा रही है, वो तो उनके बेटे जा रही है ना। हाजीपुर की हम बात, तो हाजीपुर में चिराग को लड़ना चाहिए, जी बिल्कुल लड़ना चाहिए। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या लोगों की राय है। अंकल क्या नाम? चलिए इधर आ जाते हैं। भैया क्या नाम? अर्जुन कुमार। ये बताइए, बिहार से हैं? जी बिहार से हूँ, आरा गाँव। राजनीति में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में जानकारी है? उतना डिटेल तो नहीं जानकारी, बस इतना जानता हूँ कि भावी नेता अगर चुनना भी है तो चिराग पासवान को एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान को मौका? जी। तो मेरा ये भी सवाल है कि आपको पता होगा चिराग पासवान जमुई से भी सांसद है और हाजीपुर को लेकर के वो लगातार ताल ठोक रहे, तो क्या लगता है उनके खाते में सीट जाएगी? मुश्किलें है, बट ग्रांटेड है उन्हीं का एरिया है तो सीट जाना संभव है। जमुई छोड़ना कहाँ तक? जमुई उन्हें छोड़ा है कहाँ है? वो कह रहे हैं ना कि अब जमुई छोड़ करके हाजीपुर जाएंगे, हाजीपुर में उनके जो पिता है उनकी वो है ज़मीन है, ज़रूरत है, लेकिन जमुई उनको छोड़ना नहीं है, हमको लगता है कि हाजीपुर और जमुई दोनों से ही वो निकल पाएंगे। भावी नेता है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा ही नेता बने, अपना बिहार राज्य का डेवलपमेंट करें। बाकी तो हम और लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बस चिराग पासवान से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं उम्मीद ये बनाए रहता हूँ। क्या किया चिराग? बहुत सारा मैं देखा हूँ कि धार्मिक से सहायता भी करते हैं, धार्मिक साथ भी देते हैं और जनता के सेवा भी करते हैं, लड़कों के एजुकेशन के बारे में भी बताते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट करते हैं।
तेजस्वी यादव नहीं करते? करते हैं, लेकिन उनका जो भावी रूप है ना, हमको पसंद नहीं है वो तेज तरह, वो उनका अंदाज ही नहीं है, हमको उनका अंदाज थोड़ा सा ही पसंद नहीं आता है। ऐसा लगता है कि एटीट्यूड वाला आदमी है। तेजस्वी पहचान है, उसका भाई एक है, क्या नाम है, तेज प्रताप, वन विभाग का है। कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको अपना ब्लॉग बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। चिंतन ब्लॉग यूट्यूब पर सिर्फ ब्लॉग बनाता है, क्या जनता की सेवा करेगा वो? हमको सिर्फ ये चाहिए, अपना चिराग पासवान चाहिए, उन्हीं को हम चाहेंगे वोट देंगे। अब सब लोग से यही आग्रह करेंगे एक बार चिराग पासवान को मौका दिया जाए। थैंक यू। क्या नाम है? बादल कुमार। बिहार से? हाँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। चिराग पासवान को जानते हैं? हाँ, अच्छे से जानते हैं। चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद है, लेकिन वो जमुई छोड़ करके जा रहे हैं हाजीपुर, तो क्या कहना चाहेंगे? छोड़ा तो नहीं चाहिए उनको, जमुई से भी लड़ना चाहिए, कहा कि जमुई से लगातार जीत रहे हैं, जमुई उनके लिए अच्छा है। प्लस हाजीपुर उनका मेन हुआ, जो उनका पापा लड़ते थे हाजीपुर से, हाजीपुर भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हाजीपुर में उनका बहुत बहुत कुछ किए हैं हाजीपुर में वहाँ के। हाजीपुर के लिए तो वो लगातार बोल रहे हैं कि हम हाजीपुर में जाएंगे, लेकिन ये जमुई को छोड़ना कहाँ तक से? नहीं, जमुई को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे अंदाज से जमुई को, चिराग को छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार में किसे मौका देंगे? मुख्यमंत्री में तो चिराग ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो अंदाज है ना, जाति पाति दम धर्म पूरा हटा कर चलते हैं, बहुत अच्छा लीडर है, बेस्ट, आना चाहिए, मौका देना चाहिए जरूर दम। अंकल क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। ये बताएं कि बिहार से रहना है, बिहार से है? हाँ, बिहार की है। तो बिहार की जो राजनीति में हो रहा है इस चीज़ों को लेकर के जानकारी है? हाँ। अभी जो चिराग पासवान जमुई से सांसद है, लेकिन वो जमुई छोड़ कर के हाजीपुर जा रहे हैं, कहाँ तक सही? तो अपना फादर के सीट को कब्जा करना चाह रहे हैं, जो चचा है हड़पले हैं, तो कहने का मतलब है कि चचा तो दगाबाजी किए ना जी, बाप जब मर गया तो चचा दगाबाजी करके पार्टी पर पूरा कब्जा कर लिए, तो वो बेचारा अपना सीट लेना चाह रहा है कि बाप का संपत्ति हम भी विरासत हम संभालेंगे, और तो कोई बात नहीं है। तो फिर वो चाचा तो कह रहे हैं कि उनको सौंप करके गए रामविलास पासवान, उनको बेटे पर भरोसा नहीं था। अच्छा, बेटा पर भरोसा नहीं था, आप पर भरोसा, आपको सौंप के गए हैं, ये कहाँ दिक्कत है? बेटे उस लायक नहीं थे उस टाइम, बेटी उस लायक नहीं थे, तो आखिर बेटा बोला था ना कि आपके मेरे पापा के मरने के बाद मैंने मम्मी को अध्यक्ष बनाई, तो आप काहे नहीं बनाए? सारी पार्टी पर कब्जा आप काहे कर लिए? इसको निकाल दिए घर से, आप सारा पार्टी पर कब्जा कर लिए, आप कहते कि सब कुछ हम हैं, ये कहाँ का नियम है? हाजीपुर जाना सही है? एकदम सही है। जमुई जो छोड़ रहे हैं, जमुई जी किसी को बैठाएंगे वो अपना, हो सकता है मम्मी को खड़ा करे, किसी को भी अपना परिवार को खड़ा करेगा, अब जमुई की जनता भी उनसे प्रेम करता है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। हाजीपुर की जनता का क्या रिएक्शन? हमको तो लगता है वो रामविलास पासवान का सिंपैथी उनको तो मिलेगा ही ना, चिराग पासवान को मिलना ही चाहिए। और अगर पशुपति पारस उठते हैं तो? नो चांस पशुपतिनाथ पारस। पारस तो अभी सांसद है। अजी होने का तो बहुत कुछ है, और होने से क्या होता है, पब्लिक का मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए ना, होने का तो बहुत कुछ होता है। यानी कि चिराग पासवान आएंगे तो सपोर्ट मिलेगा? सही है। अगर धोखाबाड़ी कर दी तो? अब तो भाई तो बहुत हाई फाई बात है, बोलिए भी एनडीए क्या करेगा, एनडीए समझे हम तो। आपको क्या लगता है कि किसके खाते में सीट जाएगी, जो चाचा भतीजे के बीच क्या क्या हो सकता है? अगर चाचा भतीजा, ये तो चाचा तो एनडीए में सटे हुए हैं, तो लोग तो एनडीए को चाह ही रहे हैं, अगर भतीजा भी कहता है कि हमको अगर हाजीपुर का सीट मिले तो हम एनडीए में सटेंगे, नहीं मिले तो हम तो अपना सोचेंगे, देखिए अब क्या होता है। अंकल क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। बिहार से है जी। चिराग पासवान जो जमुई से अभी सांसद रह चुके हैं, मालूम होगा आपको, और अब लेकिन वो जमुई अब छोड़ करके हाजीपुर जाना चाहते हैं, तो ये कहाँ तक सही? आना भी चाहिए, क्योंकि उनके पिता का विरासत है और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और उनके अंदर टैलेंट भी है। चाचा को क्यों? चाचा उनके मुकाबले कहीं नज़र आते नहीं। मुकाबले में नज़र नहीं आते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम लोगों को चिराग से उम्मीद है, वो काम भी करेंगे चाचा के अपेक्षा। ऐसा कुछ काम किए हैं? हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो हम लोग को उनसे उम्मीद है, और वो खुद युवा हैं तो हमारी बात को वो सुनेंगे समझेंगे। आप कहाँ के रहने? मैं यहीं पटना दुल्हिन बाज़ार सिंघाड़ा से हूँ, पटना ज़िला से ही। भैया क्या नाम? मेरा नाम सतीश है। बिहार से हैं? नहीं, यूपी से। अच्छा, यूपी से। तो बिहार की राजनीति के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है? हाँ इन्फॉर्मेशन है, हम जानते हैं। चाहेंगे चिराग पासवान को लेकर के? चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद है, लेकिन वो लगातार हाजीपुर के लिए से मतलब ताल ठोक रहे हैं कि मुझे हाजीपुर ही सीट चाहिए। चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ हाँ, मतलब आप यू
यूपी के रहने वाले, तो आपको इतना कैसे डिटेल में पता है कि वो आगे चल के कुछ अच्छा काम करेंगे? काम करेंगे, अच्छा नेता है। और भी लीडर्स हैं जैसे तेजस्वी यादव को ले लीजिए। नहीं, उनको वो उनसे उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है, उनसे उम्मीद नहीं रखा जा सकता। चिराग पासवान जो है उभरते हुए नेता है जो युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम? मुन्ना कुमार से नाम हुआ। कहाँ से है? भोजपुर से, आरा से। अच्छा, बिहार के ही रहने वाले? जी जी। तो ये बताइए कि चिराग पासवान जो अभी सांसद है जमुई से, तो वो लेकिन जमुई को छोड़ना चाहते हैं। लगातार उनको जमुई से इतना सपोर्ट मिला, बावजूद इसके वो छोड़ना चाह रहे हैं। उनका तो पार्टी ही छोड़ दिया, उनको तो जमुई से छोड़ना तो कोई आम बात है। उनका पार्टी छोड़ दिया? पार्टी ही छोड़ दिया उनका, जमुई से। उनका चाचा जो है वही पार्टी अपना हाथ में ले लिए, तो अपना बात है। वो जमुई से क्या, कहीं से भी आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं उनसे। हाजीपुर से लड़ रहे हैं जो, वो कहाँ तक से? हाँ, वो बोले ना कि पार्टी छोड़ दिया, वो तो पार्टी ही छोड़ दिया उनका। पार्टी है कहाँ, वो अब तो जा रहा है उनके पास, पार्टी में बगावत हो गया। अब कहीं से भी लड़ सकते हैं वो, अभी तो सीट निश्चित हो रहा है उनके। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, चाहे कहाँ से लड़ेंगे वो अपना, तो देख लीजिए। सवाल ये है कि एक ही सीट को लेकर के चाचा भतीजे में होड़सी मची है। हाँ, तो चाचा में अब गठबंधन होने जा रहा है, चाचा और भतीजा दोनों में गठबंधन हो जा रहा है मैडम। अभी तो होने जा रहा है, देखिए कहाँ से होता है, चाचा सीट छोड़ता है या भतीजा सीट छोड़ता है, देखना। यही देखने वाली बात है ना कि चाचा छोड़ेंगे कि भतीजे छोड़ेंगे। लेकिन ये आशंका नहीं जताई जा सकती कि दोनों में मेल हो जाए? हो जाएगा, मेल हो जाएगा, लेकिन सीट जमुई से शायद आशा कम है कि वो लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर बाहरी की ओर उनका रुख रहा है हमेशा। तो एनडीए जिस तरह से, मतलब चाचा के साथ भी एनडीए में तो शामिल पहले से ही है पशुपति पारस, और आप जाकर के चिराग पासवान में शामिल हो गए हैं, तो दोनों में से क्या लगता है, दोनों में गठबंधन हो जाएगा या फिर दोनों में से किसी एक को? गठबंधन हो चुका है, खाली ऑफिशियल बाकी है। अभी गठबंधन तो हो चुका है, दोनों का हो चुका है गठबंधन, ऑफिशियल न्यूज अभी नहीं आया है। तो चाचा भतीजे का गठबंधन? हाँ, चाचा भतीजे का गठबंधन तो मोदी जी करवा दिए ना सामने। क्या बात कर रहे हैं, अभी तो वहाँ पे एक तस्वीर सामने आई थी कि ये दोनों में गठबंधन हो गया है, लेकिन उसके बाद ही आपको मैं बता रही हूँ, उसके बाद ही अब पशुपति पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें कहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये इस पे आप ना जाइए, हम लोग में कोई गठबंधन नहीं हुआ। हो जाएगा, गठबंधन तो हो रहा है, न्यूज आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं न्यूज। आशा करते हैं कि गठबंधन हो तो सही हो, बिहार के लिए भी सही रहेगा और केंद्र के लिए भी सही रहेगा, हम लोग ज़्यादा यही राय है। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या क्या? भतीजा में गठबंधन नहीं होगा, काहे नहीं होगा? एकदम नहीं होगा, चाचा भतीजा में एकदम नहीं होगा। हम बोल दिए ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम भी जान रहे हैं, नहीं होगा गठबंधन तो नहीं होगा। चिराग के पास अलग स्टैंड है, खड़ा हो गया तो हो गया। हाजीपुर में क्या लगता है, चिराग आएंगे? चार ना वोट नहीं मिलेगा, पांच को सांसद है नीतीश जी ने बनाया कि फूट डालो राज करो, तब पासवान अंग्रेज के शासन नहीं चलने देगा, सुन लीजिए। क्या चिराग पासवान आएंगे? एकदम चिराग के ही साथ में सारा पासवान है। चाचा के क्यों नहीं? चाचा काम नहीं, पशुपति अगर है उसमें दम, पशुपति में तो रैली गांधी मैदान मंगा के सिर्फ पासवान का दिखा दे, सिर्फ पासवान को दिखा दे, उला के गांधी मैदान में मैं आपके सामने मीडिया आप हैं, देख लेंगे उसको। जमुई जो छोड़ रहे हैं? और छोड़िए, जमुई छोड़े वो कहीं भी छोड़े, उससे मतलब लेना देना हमको नहीं है, लेकिन पशुपति के वोट का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। बिहार में पासवान उसको नहीं देगा, अगर पशुपतिनाथ को जब भी देगा तो चिराग पासवान के वोट मिलेगा। चलो ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम? सुमित कुमार। ये बताएं, बिहार से? जी हाँ, बिहार से। तो बिहार में क्या लगता है, क्या चाचा और भतीजे के बीच मेल होगी? कभी नेता किसी का मेल हुआ है? नीतीश बाबू तो कभी भी पलटी मार देते, इतना क्या विश्वास है, क्या विश्वास है, कखनी पलटी मार देंगे नीतीश बाबू? जिस तरह से यहाँ पे जो हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग पासवान दावे ठोक रहे हैं, उधर से पशुपति पारस कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें लड़ने से नहीं रोक सकती, तो जब आप अपने दोनों भाई चाचा भतीजा में नहीं मेल है, उनको उधर ही चाचा भतीजा, इधर ही चाचा भतीजा, तो जब मेले नहीं है तो फिर होगा कहाँ से? हाँ, तो चाचा भतीजे में बड़ा मेल है। कहाँ मेल है, सिर्फ जीतने के लिए, जीतने दीजिए ना उसके बाद देखिएगा, फिर जनता कहाँ, फिर जीतने दीजिए। ये जो जमुई छोड़े वो कहाँ तक सही है, जिस तरह से वहाँ पे सांसद है, लोगों का प्यार मिलता है और वो छोड़ करके जा रहे हैं?
छोड़ना तो नेता जी का काम है, कभी को छोड़ देंगे वहाँ से, कभी वो छोड़ देंगे वहाँ से, कभी वो छोड़ देंगे, उनका तो काम है। जब एक जगह खड़ा होते हैं वहाँ से नहीं बनता है। एक बार जीत के भाई कोई भी नेता जीत के दोबारा जाते हैं वहाँ, कभी देखने के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई जनता को पूछने जाते हैं कि क्या हाल है क्या नहीं है, बस सिर्फ जिंदाबाद आते हैं। तो अच्छा, हाजीपुर में जो अगर ये इन दोनों के बीच जो एक जो होड़ सी मची हुई है, तो क्या लगता है किसके खाते में सीट जाएगी? देखिए ऐसे तो भैया जाएगी तो चाचे भतीजे के खाते में जाएगी, आरजेडी के खाते में। किसके खाते में जाएगी, चाचा के भतीजे में? क्योंकि देखिए चाचा तो ऑलरेडी एनडीए में शामिल है और भतीजे भी दावे ठोक रहे हैं कि हम एनडीए में शामिल हो चुके हैं। एक बात बताते हैं मैम, आरजेडी कम से कम अभी बड़ा पार्टी में है बिहार में, बिहार में आरजेडी बड़ा पार्टी में है, इसलिए इसको तो अभी कुछ कहना है। देखिए जिस पर चलती आ जाता है ना उसी को नाम है, ये भी आरजेडी की चलती है, इसलिए मानिए इसी को। तो देखा आपने, अभी हम जनता के बीच थे और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे लोगों का कहना था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम आए हुए थे, हमारा ये मुद्दा था कि क्या चिराग पासवान का जमुई छोड़ना सही है, क्या चिराग पासवान का हाजीपुर में आना सही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की, जहाँ पे लोगों का कहना है कि अब जा करके जो पशुपति पारस वहाँ के सांसद हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और चिराग पासवान उभर करके वहाँ से आएंगे। बहरहाल आप देख रहे थे आईवीटीवी, कैमरामैन सोनू के साथ मैं निशा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।